नमस्कार, स्वागत है आपका स्टार्ट इन्वेस्टमेंट में। आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों को दो धमाकेदार इन्फॉर्मेशन देने वाला हूं। जी हां दोस्तों, यहां पे दोनों के दोनों शेयर ने जो है स्प्लिट डिक्लेयर कर दिए हैं। एक कंपनी एक शेयर के बदले आपको 5 शेयर देगी और दूसरी कंपनी एक शेयर के बदले 10 शेयर देगी। जी हाँ दोस्तों, इवन एक कंपनी ने तो यहाँ पर रिकॉर्ड डेट भी डिसाइड कर दी है। वो रिकॉर्ड डेट भी आप लोगों को बताऊंगा, कब एटलीस्ट खरीदना होगा वो डेट भी आप लोगों को बताऊंगा, और साथ ही साथ आप लोगों को ये भी बताने वाला हूँ कि एक शेयर के अंदर FII ने, जी हाँ दोस्तों, एक छोटी सी कंपनी के अंदर FII ने लगभग 4.5% का माल उठाया, यानी कि करोड़ों का माल इस छोटे से शेयर के अंदर उठाया गया है। कंप्लीट जानकारी, कंप्लीट इन्फॉर्मेशन आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों को देने वाला हूँ, स्प्लिट से रिलेटेड, स्टॉक से रिलेटेड। तो चलिए बढ़ते हैं वीडियो में आगे। सबसे पहले एक छोटी सी कंपनी के बारे में बात करना चाहूँगा, इसके रिटर्न्स के बारे में। 2 साल का रिटर्न देखेंगे तो 1088% का, यानी कि 10 टाइम्स कर दिया अपने शेयर होल्डर के पैसों को। 4 साल की अगर बात करूँ तो 27 टाइम्स से ज़्यादा कर दिया अपने शेयर होल्डर के पैसों को। सोच लीजिए इस छोटी सी कंपनी ने कितने मल्टीबैगर रिटर्न्स जनरेट करके दिए हैं इस छोटे से पीरियड में। जी हाँ दोस्तों, कंपनी का मार्केट कैपिटलाइजेशन मात्र 1000 करोड़ रुपए का है। 52 वीक का अगर हाई देखेंगे आप लोग तो 849 का, और 52 वीक का लो 113 रुपए का है। 10 रुपए की फेस वैल्यू है। इसी 10 रुपए की फेस वैल्यू को 2 रुपए की फेस वैल्यू में कन्वर्ट किया जा रहा है। शेयर होल्डर की लॉटरी लग चुकी है, धमाका यहां पे जबरदस्त है। अब जब ये फेस वैल्यू को, 10 रुपये की फेस वैल्यू को 2 रुपये की फेस वैल्यू में कन्वर्ट किया जा रहा है, तो आपको एक शेयर के बदले 5 शेयर यहाँ पे मिलेंगे। अगर आपके पास 100 शेयर हैं तो 500 शेयर आप लोगों को यहाँ पे मिलेंगे। अगर कंपनी का ROCE देखा जाए तो 6.5% का रिटर्न ऑन इक्विटी, 2% का, ये थोड़े से लो हैं। डेट अगर देखा जाए तो 80 करोड़ रुपये का है और कंपनी का फ्री कैश फ्लो भी नेगेटिव में है। जो रिस्क नहीं लेना चाहते इन्वेस्टर वो बिल्कुल भी यहाँ अवॉइड करें, वीडियो को अभी के अभी स्किप कर सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, क्योंकि ये थोड़ा सा रिस्की स्टॉक है। आगे बढ़ते हैं कंपनी में, कंपनी के सेल्स दिखाना चाहूँगा तो कंपनी के सेल्स देख लीजिए 2019 में, 2020 में और 2021 में। तो 2020 में ये 19 करोड़ रुपए के करीब थी, 2021 में ये 29 करोड़ रुपीज़ के करीब हो गई, और ऑपरेटिंग प्रॉफिट भी देखा जाए जो कि 2020 में 7.5 करोड़ रुपए के आसपास का था, 2021 में 7.83 करोड़ रुपीज़ का ये हो गया है। तो कंपनी के सेल्स, कंपनी के ऑपरेटिंग प्रॉफिट अच्छे खासे इंक्रीज हुए हैं, आप लोग देख सकते हैं। छोटी सी ये कंपनी है जिसने कि स्प्लिट घोषणा कर दी है। साथ ही साथ इस कंपनी का नाम बताना चाहूँगा, धनवर्षा फिनवेस्ट लिमिटेड। आप लोग जैसे बजाज फाइनेंस जैसे दिग्गज शेयर को तो जानते होंगे, जैसे बजाज फाइनेंस जो है काम करती है उसी तरह से उसी फील्ड में धनवर्षा फिनवेस्ट लिमिटेड भी काम करती है। जी हाँ दोस्तों, तो ये एक फाइनेंशियल सर्विसेज प्रोवाइड करती है, जैसे कि होम, पर्सनल प्रॉपर्टी, एजुकेशनल, टर्म, बिजनेस लोन्स, साथ ही साथ गोल्ड लोन भी ये कंपनी जो है प्रोवाइड करती है, और फाइनेंस ब्रोकरेज सर्विसेज भी प्रोवाइड कर रही है। धनवर्षा फिनवेस्ट लिमिटेड कंपनी का नाम है। अब शेयर होल्डिंग पैटर्न के बारे में जो मैं इंपॉर्टेंट चीज़ आप लोगों को बता रहा था, सबसे पहले तो खुद कंपनी के प्रमोटर ने यहाँ पर हिस्सेदारी खरीदी है। देख लीजिए सितंबर 2020 में कितने थे, 59% के करीब, और 61% के करीब ये हो गए हैं दिसंबर 2020 में, और 61% ही बने हुए हैं प्रमोटर के पास। FII ने यहाँ पे हिस्सेदारी खरीदी है लेटेस्ट क्वार्टर में, जून 2021 के क्वार्टर में 4.23% के करीब। तो ऑलमोस्ट मान सकते हैं 4.5% हिस्सेदारी एक कंपनी के अंदर जिसका कि मार्केट कैपिटलाइजेशन मात्र 1000 करोड़ रुपए का है, बहुत बड़ी ये बात है। पब्लिक के पास 34% के शेयर होल्डिंग है, और ये कंपनी की वेबसाइट के ऊपर आप लोग जाके इस तरह से दे सकते हैं। गोल्ड लोन भी मिलता है अंडर 30 मिनट्स, देख लीजिए क्लियरली मैंशन कर रखा है। और क्या क्या ये प्रोडक्ट ऑफरिंग है इनका, लोन अगेंस्ट प्रॉपर्टी मिल रहा है, आत्मनिर्भर भारत बिजनेस लोन मिल रहा है, पर्सनल लोन, मेडिकल लोन, स्कूल फी लोन, गोल्ड लोन, शॉर्ट टर्म लोन, जिस तरह से मैंने क्या कहा था एग्जांपल के तौर पे मैंने समझाया था, बजाज फाइनेंस लिमिटेड जैसे काम करती है ठीक वैसे ही ये कंपनी भी काम कर रही है। आज की डेट में धनवर्षा फिनवेस्ट लिमिटेड थोड़ा सा डाउनफॉल देखने के लिए मिला, लेकिन ओवर द लॉन्ग रन सोच लीजिए 2017 से लेकर अभी तक कंपनी ने 4,700
63% के रिटर्न जो है जनरेट करके दे चुकी है। आप लोग सोच सकते हैं कि कितने मल्टीबैगर रिटर्न इस कंपनी ने जनरेट करके दे दिए हैं धनवर्षा फिनवेस्ट लिमिटेड। ये देख लीजिए, ये कंपनी ने जो है लेटर फाइल किया हुआ है धनवर्षा फिनवेस्ट लिमिटेड ने। यहाँ पे इस पैराग्राफ को क्लियरली आप लोग रीड आउट कीजिएगा, मैं आप लोगों को बता देता हूँ। कंपनी ने कहा है कि 10 रुपये की फेस वैल्यू को हम लोग कन्वर्ट कर रहे हैं, सब डिवाइड कर रहे हैं 2 रुपये की फेस वैल्यू में। तो इसका क्या मतलब हुआ, कंपनी एक शेयर के बदले 5 शेयर देने वाली है स्टॉक स्प्लिट, जिसके लिए एक रिकॉर्ड डेट आई नहीं है। जैसे ही कंपनी का नेक्स्ट AGM होगा, AGM में डिसाइड किया जाएगा रिकॉर्ड डेट के बारे में, और वीडियो के माध्यम से हम लोग आप लोगों को बताएंगे। तो ये पहली न्यूज़ थी धनवर्षा फिनवेस्ट लिमिटेड के बारे में। चलिए दूसरी कंपनी के बारे में इन्फॉर्मेशन देना चाहूँगा, जहाँ पे कि आपके पास 10 शेयर हो तो वो 100 हो जाएंगे, और 100 शेयर हैं तो वो 1000 हो जाएंगे। इस कंपनी ने रिकॉर्ड डेट की जो है घोषणा कर दी है, वो भी आप लोगों को हम बताने वाले हैं। पहले कंपनी की सेल्स देख लेते हैं। तो कंपनी की सेल्स जो है 2019 में 10,000 करोड़ रुपये, 12 हज़ार करोड़ रुपये, और 2021 में देखा जाए तो 11,639 करोड़ रुपये। ऑपरेटिंग प्रॉफिट के बारे में अगर बात की जाए तो कंपनी का ऑपरेटिंग प्रॉफिट जो है हर साल इंक्रीज होता रहा है, भले ही इसका जो सेल्स थी वो 2021 में थोड़ी सी डिक्रीज हुई थी। तो ये चीज़ें आप लोगों को नोटिस करनी चाहिए, क्योंकि कंपनी ने अपने एक्सपेंसेस कंट्रोल किए हैं। कंपनी के कुछ प्रोज और कुछ कॉन्स मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा यहाँ पे। कंपनी के कुछ जो प्रोज हैं, सबसे पहले कंपनी अपने बुक वैल्यू से बहुत सस्ते वैल्यूएशन पे मिल रही है। डिविडेंड यील्ड कंपनी की बहुत अच्छी है, वो भी मैं आप लोगों को बताऊँगा। 5.5% की हाई डिविडेंड यील्ड है, डिविडेंड पे आउट रेशियो अच्छा है, लेकिन 5 सालों का कंपनी का ग्रोथ रिकॉर्ड थोड़ा सा नेगेटिव में है, और रिटर्न ऑन इक्विटी कंपनी के हिसाब से 13.5% का लो है। कंपनी का मार्केट कैपिटलाइजेशन 10,192 करोड़ रुपए का, 52 वीक का हाई 871 का, और 52 वीक का लो देख सकते हैं 553 रुपए का है। 10 रुपए की फेस वैल्यू है, और इसी 10 रुपए की फेस वैल्यू को 1 रुपए की फेस वैल्यू में कन्वर्ट किया जा रहा है, और इसीलिए सब डिवाइड किया जा रहा है, इसीलिए एक के बदले 10 शेयर यहाँ पे फ्री में मिल रहे हैं। रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड 13%, रिटर्न ऑन इक्विटी 13% का, और कंपनी के अंदर अगर आप लोग देखेंगे प्रॉफिट ग्रोथ 16% की है। डेट कंपनी पे मार्केट कैपिटलाइजेशन से ज़्यादा है, ये चीज़ आप लोगों को ध्यान में रखनी चाहिए। फ्री कैश फ्लो 2,144 करोड़ रुपये का। चलिए आगे बढ़ते हैं, CESC। जी हाँ दोस्तों, CESC यानी कि कलकत्ता एनर्जी सप्लाई कॉरपोरेशन लिमिटेड जो है कंपनी का नाम है। ये एक RP संजीव गोयंका ग्रुप की कंपनी है, जो कि इलेक्ट्रिसिटी का डिस्ट्रीब्यूशन देखती है, और कहां कहां देखती है वो मैं भी आप लोगों को बताना चाहता हूं। कोलकाता मेनली इसका ऑपरेशन है यहां पे, उसके साथ साथ इसका पावर डिस्ट्रीब्यूशन का जो बिजनेस है नोएडा, राजस्थान, मालेगांव, महाराष्ट्र, यहाँ पर भी इसका इलेक्ट्रिसिटी का जो है डिस्ट्रीब्यूशन है। कंपनी हाई डिविडेंड यील्ड देने वाला एक स्टॉक है, पैसिव इनकम के रूप में आप लोग सोच सकते हैं कि एक डिविडेंड स्टॉक इन्वेस्टिंग भी कहा जाता है, जहां पे कि हाई डिविडेंड यील्ड वाले स्टॉक्स में लोग अपने पोर्टफोलियो में ऐड करते हैं, जहां से कि उनकी एक रेगुलर इनकम आती रहती है, जिसको कि पैसिव इनकम भी कहा जाता है। तो कंपनी का बिजनेस मैंने आप लोगों को बताया, इलेक्ट्रिसिटी की डिस्ट्रीब्यूशन करना इस कंपनी का काम है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, कंपनी का मैं शेयर होल्डिंग पैटर्न दिखाना चाहूँगा। प्रमोटर के पास 49%, यहाँ पे अगर FII की बात की जाए तो 13%, DII 23%, और पब्लिक के पास 13%, यानी कि कंपनी में सभी की शेयर होल्डिंग अच्छी खासी बनी हुई है। तो कंपनी के अंदर कुछ तो बड़ा होने वाला है। तो CESC जो कि यहाँ पे देख लीजिए 24 अगस्त के दिन ये घोषणा कंपनी ने की थी। पहले तो ये बता दूँ कि कंपनी ने सब डिवीज़न की घोषणा कर दी थी कि 10 रुपये की फेस वैल्यू को 1 रुपये की फेस वैल्यू में कन्वर्ट किया जाएगा। आप लोग इस पैराग्राफ को वर्ड टू वर्ड रीड आउट कर सकते हैं वीडियो को पॉज करके। मैं इसका जिस्ट आप लोगों को बता देता हूँ कि कंपनी ने ये डिसाइड कर दिया है कि सितंबर 20 जो कि मंडे है उस दिन रिकॉर्ड डेट है, यानी कि उनको और वो एलिजिबल होंगे वो शेयर होल्डर जिनके डीमैट अकाउंट में ये शेयर जो है 20 सितंबर के दिन रहेगा। जी हाँ दोस्तों, तो आप लोगों को एटलीस्ट कब खरीद लेना है, अब सोचिए इंडिया में हॉलीडे होता है सैटरडे का, तो सैटरडे और संडे का, तो इससे पहले 18 सितंबर और 19 सितंबर इस दिन तो आप शेयर्स को बाई नहीं कर सकते। तो आप लोगों को इसकी एक्स डेट कब हो जाएगी, इसकी एक्स डेट हो जाएगी 16 सितंबर के दिन। थोड़ा सा समझिएगा यहाँ पे पॉज करके। तो आप लोगों को इस शेयर को 16 सितंबर या उससे पहले ले लेना है, अगर आपको इसका ये धमाकेदार
स्प्लिट जो है अवेल करना है, इसके लिए एलिजिबल होना है। तो क्योंकि इंडिया में टी प्लस टू चलता है, जब आप लोग 16 सितंबर के दिन ये शेयर लेंगे तभी जाके ये शेयर जो कि आपके डीमैट अकाउंट में आ पाएगा 20 सितंबर को, और आप लोग एलिजिबल हो पाएंगे इतने ज़बरदस्त स्प्लिट के लिए। जी हाँ दोस्तों, तो CESC देखेंगे ओवर द लॉन्ग रन में, बताना चाहूँगा 2458% के रिटर्न कंपनी यहाँ पे दे चुकी है, 24 टाइम्स कर चुकी है अपने शेयर होल्डर के पैसों को, और साथ ही साथ यहाँ पे स्प्लिट भी इतना ज़बरदस्त दे रही है। तो मैंने आप लोगों को दो कंपनियों के बारे में बताया जहाँ पे कि दोनों ने स्प्लिट की घोषणा कर दी है, और एक छोटी सी कंपनी के अंदर धनवर्षा फिनवेस्ट लिमिटेड के अंदर FII ने इतना ज़बरदस्त जो स्टेक उठाया है, कुछ तो यहाँ पे बड़ा होने वाला है। तो आज की इस वीडियो में यही इन्फॉर्मेशन पहुँचानी थी, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि कैसी लगी इन्फॉर्मेशन, कैसा लगा आपको ये वीडियो। साथ ही साथ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और बगल में जो बेल का आइकन है उसे प्रेस कर दीजिएगा। इससे होगा क्या कि शेयर मार्केट में लेटेस्ट अपडेट आप लोगों तक पहुँचते रहेंगे और हम लोगों को भी इंकरेजमेंट मिलेगा और अच्छे अच्छे वीडियोज़ बनाने के लिए। तो आज की इस वीडियो में इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद।